पे हो गई मेहंदी की डेकोरेशन भी पहले कर। कैसे खट्टे है खट्टे आग बिक्री काम कर रहा है तो कुछ इस तरह से हमने ये बना दिया है। ये देखिए मौसम। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से और आज भाई भारी की शादी है क्योंकि अपना शामियाने वगैरह सारे लग गए हैं और साथ में म्यूज़िक देखिए काम भी चला है साथ में म्यूज़िक तो काम करने का भी मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे लड़ी अभी लग चुकी है पूरे में पुराने घर में। और ये देख सकते हैं आप शामियाने भी लग गए हैं। डीजे भी यहाँ लगे कल वहाँ पे लगेंगे नीचे वाले लेंटर में। क्या 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 चला है फिर? ये हमारे बोटी है, इस बार लेडीज पार्टी को बोटी रखा है। आग बिक्री काम कर रहा है। हाँ जी हमारे लेंटर कमरे आदि ऐसे लाग ही खड़े खड़े उन्होंने और एक शामियाना यहाँ पे भी लगा है खाना खिलाने के लिए। और आज ना मौसम भी काफ़ी साफ हो गया है, 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी। हम तो डर गए थे कि शादी के टाइम भी कहीं ऐसी बारिश ना लगे, लेकिन भगवान की कृपा है कि मौसम साफ है, ऐसा ही रहे शादी तक मौसम बिल्कुल साफ। ये देखिए मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और साथ में काम भी चला है। तो यहाँ पे देखिए मेरे गमलों में बहुत प्यारे प्यारे फूल लग गए। ये मैं भुंतर से लेके आई थी, इस वाले में भी लग गए। एप्पल बोजी हाय, कौन है व्लॉग है बुआजी भी है सफाई करने। ये लो चाबी भाई, चाबी तक दे रहा बढ़िया रे छोटे रे सर। मैं खाती हूँ प्लम, मेरे भाई की सेवा आदत। तो यहाँ पे हो गई मेहंदी की डेकोरेशन भी पहले कर दी क्योंकि कल टाइम नहीं लगेगा, बहुत बिजी होते सब, तो पहले ही कर दी मेहंदी की डेकोरेशन। लाइट है नहीं, नहीं तो मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाती है अच्छे से कितना प्यारा लग रहा है। ये है हमारे लेबर जी का रूम, यहाँ पे डेकोरेशन की है और यहाँ पे हो रही है थ्रेडिंग। अभी भी ब्यूटी पार्लर खोल दिया घर में। लाइट नहीं है मेरे पास, धूप इतनी तेज है। धूप हो तो सेपा, धूप ना हो तो सेपा। यहाँ पे देखिए अंगूर निकालने की कोशिश लेकिन बेकामयाब रहे। अरे को बोला ना कामयाब बेकामयाब, मैं निकालू साइड हो जाओ मैं लंबी। शादी में लोग सारे अंगूर खा लेंगे, उससे पहले हम अटैक कर रहे हैं। सहारा का साथ देना था है। अरे ये के बोला सर खट्टे कच्चे है अभी, कच्चे है अभी। कैसे खट्टे है खट्टे एक तो यहाँ पे तित्तर जी को बिठाएंगे तो यहाँ पे बना रहे क्या बोलते हैं इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, दले उठा हमारे यहाँ पे बोलते हैं दले उठा। यहाँ पे देवता जी को बिठाएंगे फिर यहाँ पे थोड़ा चित्रकारी कर रहे हैं।
सबसे पहले कुछ इस तरह का बैकग्राउंड बनाएंगे। हाथ देखिए कैसे हो गया, और इससे ना जल्दी नहीं हो रहा है। ये जो कलर है क्या बोलते हैं इसको, पठार, बहुत टाइम लग रहा है उंगली से। तो कुछ इस तरह से हमने ये बना दिया है, पता नहीं कैसा लग रहा है। मोहर सिंह संघ यमुना, ये हमारे देवता जी के नाम, गर्ग ऋषि प्रादिवीर तुदाला। नारायण जी का ऋषि का नाम यमुना है, ठीक ही लग रहा है। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम, और आज ना फेस थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि बाहर शामियाने लगे ना, तो उसकी लाइट पड़ रही है। शामियाने ऑरेंज कलर के हैं, तो अजीब सी लाइट पड़ रही है देखिए फेस पे। और पीछे देखिए खिड़की में मैंने रखा है दुल्हन का लहंगा बिल्कुल सेट करके, ताकि इसमें कोई सिलबट्टे ना पड़े। और मैं आज शाम को करूँगी अपने फेस पे ब्लीच, क्योंकि मैंने कुछ करवाया नहीं, तो मैं सोच रही ब्लीच करूँ। वैसे मैं करती नहीं बहुत कम, एक दो बार ही अभी मैंने करवाया है आज से पहले सैलून में, लेकिन इस बार मैं घर में करूँगी खुद ही। थोड़ा बर्फ बुर्फ लगाऊँगी अच्छे से, और बस कल मेहंदी है, तो बस भगवान से दुआ की सब कुछ अच्छे से हो और मौसम भी साफ रहे। तो बिना साफ सफाई हो गई है सब की, हमारे घर में भी और दूसरे घर में भी, दोनों घर में सफाई हो गई है पूरी। बाकी थोड़े बहुत छोटे मोटे काम रहते हैं वो धोते रहते हैं, और कपड़े वगैरह धोने को मैंने बेडशीट निकाल रखी है आगे, मतलब जो भी कपड़े थे ना वो मैंने आज सारे धोने हैं, क्योंकि कल के लिए ज़्यादा काम नहीं बचना चाहिए, कल बिजी रहेंगी, कल मेहंदी है। तो बस कोशिश करें कि सारे काम हम निपटा सके कल के लिए, कल ज़्यादा लोड ना पड़े काम का। तो इसी के साथ आज की ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।